अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं अकाउंटिंग की, तो उसमें बीकॉम के या एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स के हवाले से हम जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो आज उसी सिलसिले में जो डेप्रिसिएशन का हमारी सीरीज़ है उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 सोहेल अफजल की बुक का आज हमने करना है। तो उसमें केस, क्योंकि 3 किस्म के हमारे पास होते हैं, जिसमें एक केस होता है ओनली बाय का, कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सिर्फ परचेजिंग की जाती है और फिर डेप्रिसिएट हो के एक एंड पे वैल्यू बच जाती है। दूसरा वो होता है केस जिसमें आप जो है वो बाय करते हैं, फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ जब गुज़रता है अरसा, तो फिर एक नया एसेट आप परचेज़ कर लेते हैं। तो उस परचेज़ ऑफ एसेट में कैसे ट्रीट होगा या क्या नहीं होगा, जो आज हमारा केस है। फिर नेक्स्ट में हम ये करेंगे कि जो बाय होगा और फिर आगे उसको सेल आउट भी करेंगे। फिर एक और केस होगा जिसमें बाय भी होगा और बाय होगा दोबारा और फिर सेल आउट भी होगा। तो ये 3-4 किस्म के जो वर्जन्स हैं, इसमें हमने अकाउंट के अंदर देखना है कि वो हमारा जो मशीन अकाउंट या जो फिक्स एसेट अकाउंट होगा उसमें किस तरह से ये चार्ज होगा। तो आई होप कि आपने ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में और भी अहम वीडियोज़ हम इस पर अपलोड करेंगे, और एजुकेशनल हवाले से इंशाल्लाह ये आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट देगा। और इसमें जो है वो जितनी भी बेसिक्स हैं वो लेक्चर 1, 2, 3 जो हमारे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, उनकी जो लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा समझने में इजी होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम अपनी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो या प्ले लिस्ट जो है वो एंड स्क्रीन पर देते हैं, कुछ जो है वो हम इसमें आई बटन में दे देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा एक्सेस मिल जाए और सारे जो चीज़ें हैं वो आपको समझने में इजी हो। तो अभी हमारा जो केस है वो है कि ऑन 1 जनवरी 2012 अ फर्म परचेज्ड मशीनरी वर्थ 50,000 रुपीज़, कि एक मशीन है जो आपने ली है, और फिर उसने बोला कि एक एडिशनल मशीनरी ली है 10,000 प्लस 1,000 एडिशनल एक्सपेंसेस, इनके 11,000 इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल कॉस्ट। तो उसमें जो है ना वो हमारे पास क्लोजिंग डेट जो है वो दी हुई है 31 दिसंबर, जबकि 10% हमने करना है, और इसमें मेथड जो है वो हमने एक लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस और एक है फिक्स इंस्टॉलमेंट। तो पहले हम रिड्यूसिंग बैलेंस को देखेंगे और उसमें किस तरह से ट्रीट होगा ये हमने जज करना है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में एक बात आपने नोट करनी है कि आपने जो है ना वो इसका जो रिड्यूसिंग बैलेंस है उसमें ईयर वाइज जो हर साल बैलेंस आएगा एज रिड्यूस्ड बैलेंस, इसीलिए इसको रिटर्न डाउन भी कहते हैं, तो वो बैलेंस आपने लेना है। तो ईयर ऑफ परचेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जब आप लास्ट पे इसको जाएंगे तो उस वक्त भी, तो पहला साल और फिर जब ड्यूरिंग द ईयर खरीदेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी एक अहम है। तो आपने सबसे पहले 2012 में जनवरी के अंदर जो आपका फर्स्ट है ये आपने करना है। तो ये उसने ख़रीदा है जी कि आपके पास है 50,000 रुपीज़ का कैश के अगेंस्ट आपने ये एसेट लिया है। अच्छा, जब दिसंबर आएगा तो ज़ाहिर है कि 2012 का जो दिसंबर है 31st, क्योंकि हमारी क्लोजिंग डेट भी बता दी गई है, तो उस सूरत में हम जब डेप्रिसिएशन लेंगे इसके अंदर तो वो 10% के रेट के हवाले से लेंगे। तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो हम वर्किंग करने लगे ये वर्किंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है रिड्यूसिंग बैलेंस में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो एक मशीन है तो हम मशीनरी अकाउंट इसको बनाएंगे, और नीचे बेशक आप इसके साथ लिख दें कि ये कौन सा मेथड है तो और बेहतर है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ताकि पता चले कि ये
किस हवाले से हम बात हो रही है हमारी। तो रेट जो है वो हमारे पास है, तो 2012 का जो फर्स्ट ईयर है उसमें, क्योंकि हमारा पहला साल उसमें जनवरी दिसंबर है, तो 50,000 का जो हमारे पास 10% होगा वो हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। ठीक है, ये हम ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें ज़रूरी है ये कि रिड्यूसिंग बैलेंस में हर आने वाले बैलेंस पर होगा। तो 5,000 रुपीज़ हमारा इसमें बन जाएगा, तो हम इसमें लिख देंगे कि 5,000 से रिड्यूस्ड हो गया और बैलेंस कितना आया जी, 50,000 आपका 5,000 जो है वो इसमें चला गया, तो 50,000 से 45,000 जो है ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये बैलेंस आ जाएगा। फिर 2013 के स्टार्ट में आपको वो बैलेंस कैरी डाउन होगा, बैलेंस हम लिखेंगे और 45,000 का बैलेंस कैरी करेंगे। अगेन क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो बैलेंस का मेथड होगा उस हवाले से बात होगी। तो 2013 की जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो 45,000 के ऊपर आएगा, जिनके हर जो बैलेंस है आपका कैरीड होगा उसके ऊपर हमने 10% करना, तो 4,500 आ जाएगा। 4,500 को हम यहाँ पर 2013 के अंदर 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन करेंगे 4,500, और फिर इसको बैलेंस ले लेंगे, तो ये हमारे पास 45,000 और कितना बैलेंस आया जी, 40,500 का बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 2014 के अंदर फिर हम इसको लेकर जाएंगे। अच्छा, अब आपने इसको क्वेश्चन में ज़रा देखें कि जुलाई के अंदर एक और मशीन भी आपने ली, क्योंकि जब आप जुलाई में जाएंगे तो पहले जनवरी फर्स्ट का बैलेंस ले लें। तो हमारा 14 का जो ईयर है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडिशनल मशीन भी ली गई है इसके अंदर। तो आपका एक तो बैलेंस जो होगा 40,500 का आएगा। अच्छा, अब आपने 2014 के अंदर ज़रा जा कर ये देखना है कि जब हमारा 40,500 होगा तो ये तो इसके ऊपर तो 10% आना ही है, क्योंकि राउंड द ईयर आपके पास आया ना, तो इसके ऊपर तो 40-50 का हिसाब से वो आ जाएगा। लेकिन ये तो मशीन वन था, तो M2 जो होगा वो आपने कब स्टार्ट किया उसको भी आपने लेना है। तो आपने नीचे इसके जो डेट आपने ख़रीदा है उस हिसाब से जुलाई फर्स्ट लिखेंगे, और जब नई मशीन ऐड करेंगे तो वो, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो एक एसेट है वो डेबिट साइड पर इंक्रीज जाएगा। तो अगेन आपने ज़ाहिर है कि कैश के अगेंस्ट ही लिया होगा, तो कैश अकाउंट आप लिखेंगे, ठीक हो गया, और उसमें प्लस कर देंगे एडिशनल एक्सपेंसेस भी और प्लस 10,000 के ओरिजिनल कॉस्ट भी। तो 10,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, 11,000। तो आपने जब इसकी 11,000 के ऊपर कैलकुलेशन करनी है तो ये आपने 6 मंथ्स की करनी है, ठीक है ना। ये वर्किंग करने का ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको फिर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी बॉदरेशन तो है इसमें, लेकिन ये है कि आपको फिर क्वेश्चन की करेक्शन में कोई किसी किस्म का शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा कि भाई हमारा क्वेश्चन ठीक है, एरर के चांस कम हो जाएगा। तो ये 10% के हवाले से हम 6/12 करेंगे। 6/12 क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये हमने जुलाई से दिसंबर तक लेके जाना है, ठीक है। तो उस हवाले से ये कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है ना, ये आपने फिर उसमें लिखनी है, उधर से अमाउंट भी टोटल कॉस्ट भी हो जाएगी और इधर से टोटल आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 4,600। अच्छा, 4,600 जो है वो इस साल की आ गई। तो आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी, इस हवाले से हम ये जो बात है वो कर रहे हैं। तो अब हमने जो 2014 के अंदर जो दिसंबर 31 है उसमें डेप्रिसिएशन जब लेनी है,
तो 4600 के हवाले से हम बैलेंस लेंगे। अच्छा, बैलेंस आप ओवरऑल फिर कर दें, फिर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब एक दफ़ा मिक्स कर लिया आपने कैलकुलेशन की सेपरेट रखना है ना, तो कैलकुलेशन जो है ना वो सेपरेट रख के आपने 51,500 आएगा, 51,500, और इधर जो है वो आपने बैलेंस करना है इसको 4600 के साथ, 46,900। ये ठीक आ रहा है? तो ये जैसा कि आपने देखा कि इसमें हम जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमारा टर्निंग पॉइंट था, इसको आपने ज़हन में रखना है। अब आगे जो है ना वो मिक्स हो जाएगा, अब आगे मिक्स हो के वो बैलेंस आया ना आपका, तो उस बैलेंस को आपने जस्ट 46,900 लेना है। और अब तो क्योंकि दोनों जो मशीन्स हैं मिक्स होकर जनवरी टू दिसंबर चलेंगी, ठीक हो गया, तो हमारा ये आई थिंक सो के उसने जो पूछा है वो 5 years का पूछा है, तो ईयर 1, 2, 3, 4 और 1, 5 होगा, तो ये 2015 जो है ये हमारा फोर्थ ईयर बनेगा, ठीक, 1, 2, 3 और 4, तो एक और हम करेंगे। लेकिन अब जो है ना वो किसी किस्म का इशू नहीं है, 46,900 के ऊपर ही हमने 4690 कर देना है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें हम जो है वो डेप्रिसिएशन की ले रहे हैं, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर 2015 डेप्रिसिएशन और 4690 जो है ये बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है, ये ज़रा कैलकुलेट करके चेक कर लें, ठीक है। $42,210, तो 46,900 जो है ये हमारा इसमें बैलेंस आ जाएगा, और 2016 जो होगा जो ईयर 5 है उसमें 42,210 जो है ये बैलेंस आएगा, ठीक है जी। और फिर हमने 2016 के अंदर भी 42,210 के ऊपर 10% हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसका 10% आ जाएगा। और यहाँ पर दिसंबर 31st 42,210, तो बैलेंस हम लेंगे 42,210, और यहाँ पर क्या बैलेंस है जी, 37,989। तो इसको हम 2017 का ओपनिंग बैलेंस बनाकर आंसर ले लेंगे, 37,989। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारा जो केस था ये बाय एंड बाय का केस था, यानी कि एक दफ़ा आप फर्स्ट बाय करते हैं और एक दफ़ा आपने सेकंड मशीन भी बाय की, तो ये केस टू केस वेरी करता है, इसको आपने देखना है। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि ये आपको पसंद आ गया होगा।